Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth, written by William Shakespeare, Act 3, Scene 3. बाकी पहले के सीन्स डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, आप वहाँ से सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा. सीन 3, द सेम, मतलब जो फॉरेस्ट में ही है यहाँ पे लोग. अ पार्क विथ अ रोड लीडिंग टू द पैलेस, एक पार्क में जो पैलेस की तरफ जा रहा है जो रोड. एंटर थ्री मर्डर्स, अब तीन मर्डर्स यहाँ पे दिखते हैं हमें. फर्स्ट मर्डर, बट हु डिड बिट दी ज्वाइन विथ अस, तो वो कहते हैं कि वहाँ एक थर्ड मर्डरर्स भी है. ठीक है, यहाँ पे शेक्सपियर ने यहाँ पे एक और मर्डर को यहाँ पे इंक्लूड किया. तो यहाँ पे वो कहते हैं फर्स्ट मर्डर, कहते हैं थर्ड मर्डर को कि आपको किसने कहा, तुमको किसने कहा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. थर्ड मर्डर मैकबेथ, मैकबेथ ने मुझे कहा है. सेकेंड मर्डर, ही नीड्स नॉट आवर मिस्ट्रेस सिंस ही डिलीवर्स आवर ऑफिसेस एंड व्हाट वी हैव टू डू टू द डायरेक्शन जस्ट. तो वो सेकेंड मर्डर कहते हैं कि हम फर्स्ट मर्डर को कि हमें इसको मिस्ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वही सब बता रहे हैं जो मैकबेथ ने भी हमें बताया है, जो ड्यूटी हमें करने के लिए. तो हमें इसके बारे में शक नहीं करना चाहिए. तो शक करते हैं ना, तो फर्स्ट मर्डर आप कहते हैं. देन स्टैंड विथ अस द वेस्ट येट ग्लिमर्स विथ सम स्ट्रीक्स ऑफ डे. तो वो कहते हैं कि स्ट्रीक्स ऑफ डे, यानी कि जो वेस्टर्न स्काई है वो कुछ कुछ उसकी हल्की सी जो सूरज की जो है वो है अभी भी, मतलब हमें दिख सकता है सूरज रेज उसका. विथ सम स्ट्रीक्स ऑफ डे नाउ स्पर्स द लेटेस्ट ट्रैवलर्स अ पेस. तो अभी वो जो टाइम है जो ट्रैवलर, यानी कि वो जो बैंको और फ्लैट्स, अब उनका आने का वक्त हो रहा है. टू गेन द टाइमली इन एंड नियर अप्रोच इज द सब्जेक्ट ऑफ आवर वॉच. तो जो हम लोग जिस जो इंसान का वेट कर रहे हैं, जो पर्सन का, उनका आने का वक्त हो रहा है. थर्ड मर्डर, हार्क आई हियर हॉर्सेस, मुझे लग रहा है कि अब किसी हॉर्सेस पर, मतलब घोड़े की आवाज़ आ रही है. बैंको विद इन गिव अस अ लाइट देयर हो, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ रोशनी दीजिए. सेकेंड मर्डर, देन इट इज़ ही द रेस्ट दैट आर विद इन द नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन हियर मीन्स ऑन द लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड गेस्ट. तो कह रहे हैं कि ज़रूर ये बैंको ही है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड जो ऑलरेडी आर इन द कोर्ट, जो गेस्ट है वो तो ऑलरेडी कोर्ट में ही होंगे, तो ये ज़रूर बैंको ही है. फर्स्ट मर्डर, हिज हॉर्सेज गो अबाउट, और क्योंकि हॉर्सेज तो काफ़ी लॉन्ग वे से आ रहे हैं. थर्ड मर्डर, ऑलमोस्ट अ माइल, एक कॉलर बट बहुत दूर से आ रहा है, यानी कि एक माइल दूर से आ रहा है. बट ही डज यूजली सो ऑल मैन डू फ्रॉम हैंड्स टू द पैलेस गेट मेक इट देयर वॉक. तो यहाँ पे क्या करता है ना कि वो लोग वहाँ पे अपने हॉर्स को उतार देते हैं और वहाँ से लेकर पैलेस गेट तक वो लोग चल के जाते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं. एंटर बैंको एंड फ्लैंस विद अ टॉर्च, वो लोग टॉर्च के साथ आते हैं. सेकेंड मर्डर, अ लाइट, वो कहता है ये लाइट है. इट सेकेंड, थर्ड मर्डर, इट इज़ ही, वो यही है. फर्स्ट मर्डर, स्टैंड टू इट, अब स्टैंड टू इट यानी कि रेडी हो जाओ अपने एक्शन के लिए. बैंको, इट विल बी रेन टू नाइट, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब बारिश होने वाली है. फर्स्ट मर्डर, लेट इट कम डाउन, तो वो कहते हैं कि जब बारिश होने वाली तो होने दो बारिश को. द फर्स्ट मर्डर स्ट्राइक आउट द लाइट वाइल द अदर्स असॉल्ट बैंको, वे लाइट जलाते हैं और वो बैंको को पकड़ लेते हैं. बैंको, ओ ट्रेचरी, फ्लाई गुड फ्लियांस, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, वो अपने बेटे को कहते हैं तुम लोग अब धोखा हुआ है हमारे साथ, भागो तुम भागो. दाउ मेस्ट रिवेंज ओ स्लेव, तो वो कहते हैं कि हमारा तुम बदला लेना अगर तुम जिंदा रहोगे मेरे मौत का, ओ स्लेव ओ विलेन. और फिर वो मर जाते हैं और फ्लियांस वहाँ से एस्केप हो जाते हैं. थर्ड मर्डरर, हु डिड स्ट्राइक आउट द लाइट, तो वो कहते हैं कि लाइट किसने बंद किया. फर्स्ट मर्डर, वॉज नॉट द वे, तो ये सही नहीं था करना. थर्ड मर्डर, देयर्स बट वन डाउन द सन इज फ्लेड, अरे बाबा एक काम तो बाकी रह गया, वो सन तो भाग गया. सेकेंड मर्डर, वी हैव लॉस्ट बेस्ट हाफ ऑफ आवर अफेयर, तो हम लोग जो मेन जो पार्ट था वो तो हम लोगों ने किया ही नहीं. फर्स्ट मर्डर, वेल लेट्स अवे एंड से हाउ मच इज़ डन, ठीक है जब जो हो गया वो होने दो, अब चलो हम लोग जाके रिपोर्ट करते हैं कि कितना क्या हुआ नहीं हुआ, अब हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं जाके. तो स्टूडेंट सीन 3 तो बहुत छोटा है.